नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के जो 6 मिड कैप स्टॉक्स है। देखिए, मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन होते हैं लेकिन काफ़ी रिस्की भी होते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में आपको लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक की तुलना में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है, तो वहीं रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ब्लू चिप स्टॉक में 10% गिरावट होता है तो इसमें आपको 30-40% तक का गिरावट देखने मिलेगा। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी को और इतने रिस्क को सह सकते हैं तो आप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए बात करते हैं उन मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जो फार्मा सेक्टर के काफी बेहतरीन है। तो सबसे पहला आता है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखिए, मार्केट कैप है 14,000 करोड़ का, करेंट प्राइस है 1,813 का, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.47% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 55.9% का है, प्लेस परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.02 है, टोटल डेट की बात करें 32.6 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट की बात करें 448 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें 1794 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। अगर बात करें चार्ट का तो चार्ट देख सकते हैं काफी बेहतरीन रहा है और एक साल में तो ये काफ़ी ज़्यादा रैली किया और काफ़ी देखते हैं चार्ट जो अप ट्रेंड रहा है। और टोटल रिटर्न की बात करें अभी तक में तो 6,458% का रिटर्न रहा है और ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला बात करें तो वो है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इंडिया की सबसे ओल्ड फार्मा कंपनी में से एक। आप इसे भी अपने मतलब पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं मिड कैप पोर्टफोलियो में। मतलब जो मिड कैप स्टॉक बता रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, इसमें से आप कोई एक तो ले सकते हैं। आपको कुल हम इसमें जो 5 स्टॉक बताएंगे तो 5 स्टॉक में कोई भी एक दो स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मार्केट कैप 90,000 करोड़ का, करेंट प्राइस 976 रुपीज़ का, अगर बात करें डिविडेंड का 1.43% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 69.5% का है, प्लेस परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.10 का डेट टू इक्विटी है और टोटल डेट की बात करें 500 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट की बात करें 1178 करोड़ का है और रिजर्व की बात करें 5000 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है और साथ ही साथ चार्ट देखें तो काफ़ी सॉलिड रहा है। और ये चार्ट देखिए, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से 2015 से ही कंसोलिडेट हो रहा है और 2020 तक कंसोलिडेट होता रहा और 2020 के बाद इसमें ज़बरदस्त रैली देखने मिला। उसके बाद अगला जो है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड। जुबिलेंट फार्मोवा ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट कैप की बात करें 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 730 रुपीज़ का करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.68% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.9% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2% का और प्रमोट होल्डिंग 50.7% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.6 का है डेट टू इक्विटी, टोटल डेट की बात करें 2,830 करोड़ का टोटल डेट है और रिजर्व की बात करें 4,726 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और बात करें चार्ट पर, ये चार्ट पे काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन दिया है। देखिए, यहाँ पर मात्र 5 रुपीज़ का स्टॉक था 2001 में, वहाँ से इस स्टॉक ने लगभग 12,000% से अधिक का रिटर्न दिया है, तो इसे भी आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है, चौथा स्टॉक, वो है गर्लूज इंडिया लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और जो मार्केट कैप है 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 367 रुपीज़ का करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.41% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.8% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 42% का है, प्लेज परसेंटेज 6.92% का प्लेज परसेंटेज है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.35 का है, टोटल डेट की बात करें 750 करोड़ का टोटल डेट है, नेट प्रॉफिट की बात करें 549 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व की बात करें 2149 करोड़ का टोटल रिजर्व है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर चार्ट की बात करें तो ये चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं 3,425% का रिटर्न है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। तो आप इसे भी चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। हर गिरावट में बाय है और देखिए, यहाँ गिरावट में आप अगर 2009 में लिए रहते तो 11,000% का रिटर्न दिया है,
तो दोस्तों ये स्टॉक तो काफी बेहतरीन है, इस स्टॉक को जरूर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। उसके बाद जो अगला है आरती ड्रग्स, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। आरती ड्रग्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिड कैप स्टॉक चाहिए। देखिए जस्ट ये स्मॉल कैप से मिड कैप बना है, या स्मॉल कैप भी इसको कह सकते हैं। तो ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन है। अगर बात करें करेंट प्राइस का तो 722 रुपीज का करेंट प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात है 34.7% रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 35.8% का है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 60.1% का है, प्लेस परसेंटेज 0 है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.33 का डेट टू इक्विटी है। टोटल डेट की बात करें 305 करोड़ का टोटल डेट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें तो 820 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है हर पैरामीटर्स पे। और बात करें रिटर्न का तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक ने दिया अपने इन्वेस्टर को, 67,000 करोड़ का। और इसे तो अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं जब गिरावट भी ले, क्योंकि अभी तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। तो वेट कीजिए, अभी गिरावट आता है, कोई भी डिप आता है तो आप इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हिकल लिमिटेड। हिकल ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट कैप मात्र 6,325 करोड़ का है। करेंट प्राइस की बात करें 513 रुपीज का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.19% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात करें 16.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% का है। हर पैरामीटर्स पे भी कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 68.8% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.55 का डेट टू इक्विटी है। टोटल डेट की बात करें 515 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें तो 909 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है हर पैरामीटर्स पे। चार्ट का तो लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी सॉलिड है, और लॉन्ग टर्म में ये 4,851 करोड़ का रिटर्न दिया है। और ऐसे भी चार्ट जब इतना सॉलिड हो तो निश्चित रूप से आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ये 6 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स थे जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि आपको एक बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हो सके। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।